मेरे हिसाब से नई दिल्ली में इससे बढ़िया कबाब और टिक्के बनाने वाली कोई दुकान है नहीं। के एपिसोड में हम निजामुद्दीन बस्ती में गालिब का कबाब कॉर्नर में हैं। मेरे हिसाब से नई दिल्ली में इससे बढ़िया कबाब और टिक्के बनाने वाली कोई दुकान है नहीं। 60 साल पुरानी दुकान है। पहले ये बाहर तखत पे दे यूज़ टू सेल मीट, नाउ तो दे आर जस्ट अ कबाब शॉप। जिनको पता है वो तो यहीं आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या है इनके पास खाने में। इनके जो मसाले हैं ये खुद बनाते हैं और मतलब साबुत मसाले लेके उसको कोई पुट अबाउट 30 से ऊपर उसमें साबुत मसाले डाल के फिर कूटते हैं उसको। उसके साथ एक खारे धनिया का भी मसाला बनाते हैं जो कबाब वगैरह में लगाते होंगे ना। तो आज देखते हैं क्या है। तो आज जो हम ट्राई करेंगे वो हम शामी कबाब मटन का, सीख कबाब मटन का एंड बफ का टिक्के ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये साहब इनका मटन सीख कबाब है। आप देखिए, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। मतलब हाथ में रखते ही टूट गया, नहीं तो कई जगह तो रबड़ बनाते हैं वो। मतलब उसको क्या बताऊं, मतलब वेरी सॉफ्ट। मसाले इनके बिल्कुल बराबर के हैं, ज़्यादा नहीं रखते मसाले ये। तो शायद साउथ दिल्ली में रहते हैं तो लोग खा नहीं पाएंगे इसको। आई कैन जस्ट टेस्ट मटन है, मतलब मटन है और बहुत अच्छा मटन है। मतलब ये जैसे ये रातम नहीं, मतलब जो होता है ना छिचड़ा विचड़ा लेके, तो इनका मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ी चर्बी डालनी पड़ती है उसको नरम रखने के लिए, पर जितनी होनी चाहिए उतनी चर्बी है। मिर्च का टेस्ट आ रहा है थोड़ा, और इनके जो साबुत मसाले हैं उसका टेस्ट आ रहा है। ये देखिए हरा धनिया भी है इसमें और चटनी भी बहुत अच्छी है। इसमें प्याज है, धनिया वगैरह, खट्टी है पर अच्छा है। यूजली मैं चटनी खाता नहीं, पर यहीं पे आके सिर्फ चटनी खाता हूँ। इसका खेल है कि किस टाइम पे उतार रहा है टिकड़ी के ऊपर से, कब उतारना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जल जाएगा। ये बिल्कुल जला नहीं है। ऐसा है, पहले ये मीट शॉप थी, फिर हमने मीट शॉप बंद कर दी, तो फिर कबाब का काम खोला धीरे धीरे। तो ऐसे करते 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 लोग बाग एडवर्टाइजिंग करते रहे ऐसी, तो ऐसे काम बढ़ता रहा धीरे धीरे। पहले 1 किलो कीमा 2 किलो कीमा बनता था, तो अब 40-50 किलो बनता। जैसे जैसे लोग बाग बढ़ते गए वैसे वैसे फैसिलिटी बढ़ती गई सारी। तो इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गए। मेहनत करी हमारे फादर ने, करी हमारे भाई थे उन्होंने करी दो ने, तो फिर अब हम लगे हुए, हम तैयार करते हैं। तो बहुत चेंजिंग है। पहले 1 रुपये का कबाब बिकता था, अब 50 रुपये के 4 कबाब बिकते हैं। तो ये देख रहे हो ना, जैसे जैसे लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पैसा बढ़ता जा रहा है। भाई इसका टेस्ट अलग है। मीट हमारे पास जो होता है अपना अपना काम है मीट का, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। मसाले जो होते हैं लोग बाग बाजार के डालते हैं, हम लोग जो है अपने पिसवा के डालते हैं खुद अपने हाथ से। सारी चीज़ें पिसी हुई लगाते हैं सब,